किरण देवी संभल है मम्मी का नाम। गुड। और दादाजी का नाम? मनुष्य आज हम जो है ना कन्हैया बन गए माखन चोर। कन्हैया माखन चोर, हम दही चोर हैं। ये दही उनका है जिनके यहाँ श्राद्ध हो रहा है। कतरी दोबारा बता क्यों कतरी। ये है पानी का नाला और इसके अंदर देखो मछलियाँ भी हैं, मछली भी है। आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ में हर धार में जो है ना एक मंदिर होता ही है, तो यहाँ पे भी एक मंदिर है और इसका नाम है कैलाश द्वार। कैलाश द्वार इसका नाम क्यों है पार्टनर साहब? तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, ग्रो तो हो ही जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है आज मेरा, और आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये व्लॉग क्यों नहीं बना रहा। देखो व्लॉग का रीज़न ये था कि नहीं बनाने का, भाई मेरा ना कैमरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो आज आपको दिख रहा होगा कैमरा में इम्प्रूव। तो मैंने लिया है iPhone 14, तो कैसा लग रहा है। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही ना अपने पैतृक गाँव से, और बाकी मिलाता हूँ अपने चाचा जी से। तो ये हैं हमारे चाचा। तो क्या कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक से आप? बस यही कहूँगा कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लक्ष्मण भाई ने फ़ोन ले रखा है iPhone 14, इसकी बधाई दें। धन्यवाद। और बाकी भाई हमारा जो चैनल है ना अब करेगा ग्रो, वो ग्रो करवाएंगे हमारे पार्टनर साहब। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, ग्रो तो हो ही जाएगा। सपोर्ट तो चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए यार। और ये कर दी है हमने अपनी बाइक खड़ी। तो दोस्तों ये है हमारा गांव और हमको जाना है यहाँ से पैदल पैदल इस वाली धार के पार, जो दूसरी धार दिख रही है उसके भी पार जाना है। यहाँ से लगभग हमको लगेगा 45 से 50 मिनट लगेंगे। और आप और आधा गांव जो है इस साइड है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको सामने दिख रहा होगा एक मंदिर, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ में हर धार में जो है ना एक मंदिर होता ही है, तो यहाँ पर भी एक मंदिर है और इसका नाम है कैलाश द्वार। कैलाश द्वार इसका नाम क्यों है मैं आपको बताता हूँ। सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको वो हैं छोटे कैलाश के पहाड़, और यहाँ पर से जो है पेड़ के पीछे छोटे कैलाश भी आपको दिखाता हूँ। ये है छोटा कैलाश, तो यहाँ पर से जो है ना छोटे कैलाश के दर्शन होते हैं, तो इसीलिए इस द्वार का नाम है कैलाश द्वार। और ये आपको लगभग मोस्टली हर पहाड़ों में दिखेंगे। तो अभी हम लोगों को जाना है काफ़ी दूर और हम लोग चलते हैं यहाँ से। और ये है हमारे चाचा श्री। क्या हो गया चाचा, थक गए क्या? थकान तो लगी रही यार, क्योंकि सुबह सुबह आ गए थे हम और ठंडा भी काफ़ी हो रहा था और यहाँ पर लगी है धूप। और धूप में हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मजे की बात बताऊं, कल रात भर रामलीला देखी है। कल रावण सुबह 2 बजे से उठा रखा है मुझे यहाँ आने के लिए, और अब आके नींद आ रही है यार, क्या करूँ। तो कोई नहीं, नींद भी पूरी हो जाएगी। ये नींद इसलिए आ रही है क्योंकि धूप अच्छी खासी खिली और ठंडा भी हो रहा है, तो नींद तो आनी है। और रात को वैसे भी रामलीला देखी थी। तो अभी हम चलते हैं सीधा आगे को। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी देर हो गई है और थकान भी लग रही है। यहाँ पर चल रहा है हमारा विश्राम, और आपको दिखा दूँ मैं, हम लोग आए हैं उस वाली धार से। ये देखो वहाँ पे मंदिर भी दिख रहा है, और हम लोगों ने हेलमेट जो रख दिया ना इस वाले घर पे रख दिए हैं। और अभी हमको जाना है अभी इस वाली धार के पार, और पानी की प्यास भी लग रही है। पहले जाते हैं हम पानी के नौले पे, पानी पीते हैं और उसके बाद चलेंगे हम आगे को। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं पानी के नौले के पास, और यहाँ पे है देखो हम पानी स्रोत का पानी।, पानी। ये है पानी का नौला और इसके अंदर देखो मछलियाँ भी हैं, मछली भी है, दिख रही है? छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये दिख रही है आपको। और तो पानी ऐसे पीते हैं भाई पहाड़ों में, पहाड़ का पानी। वैसे तो डब्बा रखा है लेकिन इस डब्बे से पिया नहीं जाएगा, और इससे हाथ से ही पीते हैं। देखो पियो थोड़ा, कैसे बदतमीज हो यार। हाँ ऐसे पियो बस, ये कैसा हो रहा है? मीठा। दोस्तों सामने से ना
तीन आमा लोग भी आ रहे हैं। और चाचा जी ने तो पानी पी लिया और अब मैं पीता हूँ। पानी पीने का मजा ना, वैसे मुला आ गया लेकिन इसमें मुला पी नहीं सकते हम लोग। और डब से ये हैं हमारी आमा लोग और हम लोग चलते हैं सीधा आगे को। चलो तो दोस्तों, पहला विश्राम तो हमने पानी पीने से पहले कर लिया था और दूसरा विश्राम पानी पीने के बाद हो रहा है। और हमारे चाचा श्री जो है ना, बहुत थक गए हैं। थकान तो होगी यार, बहुत दूर से चलते आए हैं। और ऐसे ही थकाते रहो, लाइट को लाइक कमेंट बटन दबाते रहो। तो दोस्तों हम लोग आए हैं ना वो वाली धार से आए हैं, ये देखो भैया उस वाली धार से आए हैं। यहाँ से आते 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 इस वाले घर के बाद एक गधेरा था तो उसमें नौला था, तो उसमें हमने पानी पिया। और हमने अभी जाना है इस वाली धार पे और इस वाले घर पे जाना है, तो थोड़ी देर यहाँ पे आराम करके चलते हैं हम। कैदी दोबारा कैदी कौन पल्ला कतल दोबारा बता क्यों कतल उठा कौन पल्ला तो अपन बाप को बोले पर जने बीमार हरे कॉल फिर वो देखा कौन पल्ला जानम गीदा तान चले हैं। तो दोस्तों चलते चलते जो है ना, हमको किसी ने दही का डब्बा थमा दिया था, तो भाई पानी की प्यास लग रही, पानी तो यहाँ पे है नहीं। और हम खाते हैं अभी दही। ये हमने तोड़ा है मालू का पत्ता, ये तिमले का पत्ता ना, ये हमने तोड़ा है तिमले का पत्ता। आपने सुना होगा मालू और तिमला जो होता है ना, काफ़ी शगुन माना आता है। मैं तो पी लेता पहले दही। इसको पकड़ो, इसको उसको वो मत करना है, उसमें लगा नहीं रखा मैंने। भाई आज हम जो है ना कन्हैया बन गए माखन चोर, कन्हैया माखन चोर, हम दही चोर रहे हैं। ये दही उनका है जिनके यहाँ श्राद्ध हो रहा है। वो हमको थमा के गए ना। लो पहले वाला पकड़। कैसे पकड़ूं इसको, रखो नीचे। अरे वो बांध नहीं रखा है यार। अरे बांध नहीं रखा है, उसको पकड़ा। छोड़ो, तू भी कैसा आदमी है ना भाई। गोड़ यार गिरा दिया यार ये भयंकर। कैसे आदमी हो यार, भयंकर बजर भी है, बेवकूफ आदमी हो तुम। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी भाई, असली ना माखन चोरी हो गई भाई। कैसा लगा? लेकिन ये टेस्ट तो बढ़िया आ रहा है भाई। खाने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, खाने वाले ये भी हैं हमारे साथ। कोई बात नहीं, सब देख बस बड़ो ना कौन दे। मजा आ गया दही खा के। भू तुम भी खाओगे? भू पहला तुम भी खाओगे? बैठे बैठे दही नहीं यार, किले दही तो ना ना दही है, दही है। ये, तुम दिया चले जा रहे। ये हमको थमा दिया ना, हमने कहा थोड़ा थोड़ा पी लेता, पानी की प्यास तो लगी थी। माखन चोर बन गया आज। तुम्हारी गहरी हाल चाल बढ़िया है। तो भाई हम लोगों ने दही तो खा लिया, और बड़े वाले चोर जो थे ना ये निकले। और अभी हमको जाना ना, आगे जाना है, तो चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो है हमारे बूबू जी भी आ गए हैं दही खाते हुए। तो दोस्तों फाइनली दही खाने के बाद जो है ना शरीर में जान आ गई थी, और हम लोग पहुँच गए श्राद्ध वाले घर पर। और यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, चौपाल। इसको चौपाल तो इसको बोलते हैं चौपाल। और यहाँ पर जो है ना जानवर बाधे, देखो धूप भी नहीं लगेगी और इनको ठंडा भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर कट रहा है सलाद वगैरह, और बाकी अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तुम ठीक चा? ठीक है बस। तो
तो दोस्तों इसके अंदर चल रहा है श्राद्ध और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। मनुष्य तो श्राद्ध के बाद जो है ना मैं आ गया हूँ खाने की रसोई पे और यहाँ पर जो है देखो खाना बन रहा है और बाहर भी एक रसोई लगाई हुई है और यहाँ पे कोई हलवाई वगैरह नहीं है तो सब लोग जो है लगे पड़े हैं खाना वगैरह बनाने में। दोस्तों पकवान वाली रसोई तो अंदर वहाँ पर है आपको मैंने दिखा दिया और जो दाल चावल वगैरह बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर। और बाकी दिखा दूँ मैं आपको यहाँ का व्यू, ये है यहाँ का व्यू और प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से खेत हैं। तो दोस्तों अभी खाना वगैरह बनने में तो अभी टाइम है और श्राद्ध हो गया है लेकिन अभी खाना पूरी तरह बना नहीं है और इससे पहले मिल गई है अभी चाय हमको। और ये देखिए सामने लगे हैं नींबू, बहुत सारे नींबू लगे हैं। तो दोस्तों श्राद्ध वगैरह होने के बाद जो है खाने की तैयारी हो गई है और यहाँ पर जो है वो पूरी लाइन से खाना खिलाया जा रहा है और कुछ यहाँ पर बैठे हैं लोग और कुछ लोग यहाँ पर जो है बाँट रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो धोती मेड़ के खाते हैं वो लोग यहाँ पर खा रहे हैं और यहीं से खाना इधर जा रहा है। तो दोस्तों सब लोग खाना खा रहे हैं और खाने में है आज चावल दाल और छोले सब्जी पूरी मिर्च और हमारे सामने जो है ये चाचा जी भी वहाँ पर खा रहे हैं और मैं खा रहा हूँ यहाँ पे। सब लोग बैठे हुए हैं लाइन से। तो दोस्तों श्राद्ध वगैरह होने के बाद जो है ना सब लोग घर को जाने लग गए हैं और हम लोग भी जा रहे हैं और पीछे देखो सभी लोग जा रहे हैं और आगे से दिखाता हूँ मैं आपकी छोटी सी बच्ची देखो चल रही है, यह है छोटी बच्ची किरण देवी संभल है मम्मी का नाम गुड और दादाजी का नाम थकान लग रही तो कमर में हाथ क्यों रख दिया इधर देख यहाँ देख हेलो कह दे हेलो कह दे चलो चलो सुनो आज ना हम कहाँ जाएंगे मैं तो वहाँ जा रही हूँ आमा के साथ। आमा के साथ है भाबर भाबर कहाँ बुबू हैं। अच्छा भाबर का नाम क्या है वहाँ गांव का नाम क्या है गांव का नाम हाँ भाबर का नाम भाबर है भाबर का नाम भाबर नहीं है वहाँ का नाम है तारानवाड़ हाँ तारानवाड़ है ना हाँ। अच्छा तो मैं भी तो वहीं रहता हूँ हाँ मैं भी तो वहीं रहता हूँ क्यों मेरा घर है वहाँ मेरा घर है तारनावाड़ के बगल में है ओ जो हाँ जहाँ स्कूल जाती है तू तो वहाँ नहीं जाती है कहाँ जाती है फिर स्कूल पूर्वी है वहाँ पूर्वी है वहाँ हाँ। तो दोस्तों फाइनली चलते चलते जो है ना काफ़ी थकान लग गई है और हम पहुँच गए हैं रोड में जहाँ पर हम लोगों ने बाइक खड़ी की है और हम आ रहे हैं वो उधर से वाली लास्ट वाली धार से ऐसे पैदल पैदल चलते चलते और बाइक के पास पहुँच गए और एक भाई हमारा देखो कहाँ जा रहा है अरे वाह क्या छुपा रखा है वो भाई ये सही करा यार तूने। तो भाई ने जो है ना हेलमेट वहाँ पे छुपा के रखा है और हम लोग आ गए हैं बाइक के पास। तो यार अब है हमारी घर जाने की तैयारी और चाचा जी भी हमारे थक चुके हैं तो चलते हैं हम लोग घर को। और आज की वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।